संयुक्त राष्ट्र में यरूशलम पर वोटिंग के बाद फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता नबील अबू ने कहा, यह वोट फिलिस्तीन की जीत है। हम संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस कब्जे के खिलाफ और पूर्वी यरूशलम के साथ फिलिस्तीन राष्ट्र को स्थापित करने की कोशिश करते रहेंगे। प्रस्ताव के पक्ष में देशों को लामबंद करने में तुर्की की भी बड़ी भूमिका रही है। वोटिंग के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा कि मिस्टर ट्रंप, आप तुर्की की लोकतांत्रिक इच्छा शक्ति को अपने डॉलरों से नहीं खरीद सकते। डॉलर वापस आ सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति एक बार बिक जाए तो वापस नहीं आ सकती। वोटिंग के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यरूशलम हमारी राजधानी है, हमेशा थी और हमेशा रहेगी, लेकिन मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि ऐसे देशों की तादाद बढ़ रही है जो इस बेतुके नाटक में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज।